नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप हैं इस वक्त अपना RNF के साथ। इस वक्त हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग में जिलाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तो आइए, सबसे पहले आपको प्रीति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको जिलाध्यक्ष के रूप में पदाधिकारियों ने पद दिया है। आप इसके बारे में ये बताएं कि इसमें आखिर होता क्या है, कैसा ये मतलब आपको जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है, इससे आप किस प्रकार सामाजिक, जो इसमें लिखा भी है सामाजिक न्याय आयोग, इससे आप किस प्रकार से लोगों की मदद करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग एक संगठन है जो कि एक पूरी टीम के रूप में काम करता है। जैसे मैं जिलाध्यक्ष बनी तो अपनी एक टीम तैयार करूंगी यहाँ पर, और यहाँ पर किसी को भी, जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, वो एक आवेदन मुझे देगा। उस आवेदन के माध्यम से मैं उनकी समस्याओं को देखूंगी, उसका पठन करूंगी। पठन पाठन करने के बाद जो भी आगे की कार्यवाही की जा सकती है उसको मैं करूंगी। इसके लिए प्रशासन से, पुलिस से, विजिलेंस से, सभी से हम सहायता मांग सकते हैं कि हमें ये कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य की ऐसी ऐसी रूपरेखा है, इस पर ये कार्यवाही कर रहे हैं, तो इसमें हमें आपका इधर पे सहयोग चाहिए। तो बाकायदा हमें उनका सहयोग प्राप्त होता है और हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपको आवेदन देंगे लोग, उसकी आवेदन देने की कोई फीस वगैरह रहेगी क्या, कैसा, या ये सामाजिक तौर पर फ्री रहेगा? नहीं, ये निःशुल्क है, सेवा है अपनी, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता, कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये एक हमारा अपने देश के लिए एक सेवा और अपना कर्तव्य का कार्य है। क्या होता है, कोर्ट में जैसे लोगों का बहुत पैसा लग जाता है और कई बार उनको सही न्याय भी नहीं मिल पाता है, तो प्रयास ये भी रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कोर्ट तक ही ना जाने दें और आपस में दोनों पक्षों को बिठाल के उनका समन्वय करवाते हुए उस कार्य को वहीं पर निपटा दें, उस समस्या को। और जैसे आपसे कोई आवेदन दे आपको, या आपसे कोई संपर्क करना चाहे जो कोई बाहर से, जैसे आपके क्षेत्र से नहीं है, तो वो आपसे संपर्क किस तरह से कर सकता है? जी, अभी चूंकि मेरी नियुक्ति अभी 5 तारीख को ही हुई है, मैं एक कार्यालय का भी यहाँ पे शुभारंभ करने वाली हूँ और अपना उस कार्यालय में समय फिक्स रहेगा, वहाँ पर आपके लिए बाकायदा कर्मचारी मिलेंगे और उस कार्यालय में आप आवेदन दे सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से संपर्क साधने का पूरी व्यवस्था की गई है इसमें। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से, कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, किस तरीके से, क्या मतलब करना होगा उनको, कैसे वो संपर्क करें और भी ज़्यादा जानकारी? मैं तो सभी से, पूरे इस क्षेत्र के, जिला के लोगों से यही कहना चाहूँगी, जनता से, कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उनके लिए है तो वह मुझसे बाकायदा संपर्क कर बनाए और मैं उनकी भरपूर सहायता करूंगी, उनके कार्य में सहयोग करूंगी और उनकी परेशानियों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। प्रशासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से, जैसे भी उनको ज़रूरत होगी मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा, निस्वार्थ सेवा से ये कार्य किया जाएगा। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आप जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया है। इसके बाद आपकी जो कार्यकारिणी है अभी जो निचले पायदान पर है या जो भी रहता है इसमें, वो आप कब गठित करेंगे और कब से ये प्रारंभ होगा? और बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर हम मंडल अध्यक्ष भी इसमें नियुक्त करेंगे और अपने साथ सचिव उपाध्यक्ष वगैरह भी बनाएंगे। कितने पद होते हैं, क्या क्या रहता है इसमें? इसमें जिलाध्यक्ष के साथ 2 उपाध्यक्ष और 1 सचिव का पद रहेगा। मंडल में भी बनाए जाएंगे मंडल अध्यक्ष। ये ग्रामों में, गाँव में भी ये रहता है या फिर तहसील लेवल पे? तहसील लेवल पे इसका गठन करेंगे। अच्छा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया।